The Ten Explorer. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में, जहां हम बात करेंगे 10 नए साल के संकल्पों के बारे में। नए साल के संकल्प वो लक्ष्य होते हैं जो हम अपने जीवन में बेहतर परिवर्तन लाने के लिए निर्धारित करते हैं, लेकिन कई बार हम इन संकल्पों को पूरा करने में असफल हो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें ठीक से निर्धारित नहीं करते या उन्हें नियमित रूप से ट्रैक नहीं करते। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप कौन से 10 नए साल के संकल्प ले सकते हैं जो आपके जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और सफल बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नियमित रूप से व्यायाम। यह एक ऐसा संकल्प है जो शायद सबसे ज्यादा लोग लेते हैं, लेकिन फिर भी उसे निभाने में असफल हो जाते हैं। व्यायाम करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे आपका वजन कम होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका मूड अच्छा होता है, आपकी नींद बेहतर होती है और आपको अधिक ऊर्जा और उत्साह मिलता है। व्यायाम करने के लिए आपको कोई जटिल या महंगा उपकरण या जिम की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही कुछ साधारण और आसान एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वाट, पुशअप, प्लैंक, जंपिंग जैक आदि। आप इन एक्सरसाइज को अपने अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं और अपनी प्रगति को एक एप्लीकेशन या एक डायरी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको कम से कम 30 मिनट हर दिन व्यायाम करना चाहिए और इसे अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना चाहिए। नंबर 2, अधिक नींद लें। यह एक ऐसा संकल्प है जो शायद सबसे कम लोग लेते हैं, लेकिन फिर भी उसे निभाने में असफल हो जाते हैं। नींद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपका दिमाग आराम करता है, आपकी याददाश्त बढ़ती है, आपकी त्वचा स्वस्थ रहती है, आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और आपको अधिक फोकस और क्रिएटिविटी मिलती है। नींद लेने के लिए आपको कुछ आदतें बदलनी होंगी, जैसे कि रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, नींद से पहले कोई स्क्रीन ना देखना, अपने कमरे को अंधेरा और शांत रखना और कोई कैफीन या शराब ना लेना। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे हर रात नींद लेनी चाहिए और इसे अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना चाहिए। नंबर 3, बेहतर सुनने वाला बने। यह एक ऐसा संकल्प है जो शायद सबसे जरूरी है। बेहतर सुनने वाला बनना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे आप दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझते हैं, आपका संवाद बेहतर होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको नए दोस्त और साथी मिलते हैं और आपको अधिक सम्मान और आदर मिलता है। बेहतर सुनने वाला बनने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी आंखों में देखना, उसकी बातों को ध्यान से सुनना, उसकी बातों को समझने की कोशिश करना, उसकी बातों को बीच में ना काटना, उसकी बातों को सारांशित करके पुष्टि करना, उसके साथ अपनी राय या सुझाव साझा करना और उसके साथ सहानुभूति या प्रशंसा व्यक्त करना। आपको हर दिन कम से कम एक व्यक्ति के साथ एक गहरी बातचीत करनी चाहिए और इसे अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना चाहिए। नंबर 4, एक नया कौशल सीखें। यह एक ऐसा संकल्प है जो शायद सबसे मजेदार है। एक नया कौशल सीखना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि इससे आपका दिमाग तेज होता है, आपकी रुचि बढ़ती है, आपकी योग्यता बढ़ती है, आपको नए अवसर मिलते हैं और आपको अधिक आनंद और संतुष्टि मिलती है। एक नया कौशल सीखने के लिए आपको कोई भी चीज चुन सकते हैं जो आपको दिलचस्प लगती हो, जैसे कि एक नई भाषा, एक नया खेल, एक नया शौक, एक नया सॉफ्टवेयर, एक नई कला आदि। आप इन कौशलों को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी स्रोत से सीख सकते हैं, जैसे कि एक बुक, एक वीडियो, एक कोर्स, एक ट्यूटर, एक फ्रेंड आदि। आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट इस कौशल को सीखने और अभ्यास करने में लगाना चाहिए और इसे अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना चाहिए। नंबर 5, अधिक पानी पिएं। यह एक ऐसा संकल्प है जो शायद सबसे आसान है। पानी पीना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है, आपका खून साफ होता है, आपका पाचन बेहतर होता है, आपका तापमान नियंत्रित रहता है, आपका दिमाग चौकन्ना रहता है और आपको अधिक तरोताजा और जवान महसूस होता है। पानी पीने के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी होंगी, जैसे कि अपने पास हमेशा एक बोतल पानी रखना, अपने फोन या कंप्यूटर पर एक रिमाइंडर सेट करना, अपने खाने के साथ और बीच बीच में पानी पीना, अपने पानी को थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें नींबू, पुदीना या कोई भी फल डालना और इसे अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना चाहिए। नंबर 6, अधिक पढ़ें। यह एक ऐसा संकल्प है जो शायद सबसे ज्ञानवर्धक है। पढ़ना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए बहुत उपयोगी है,
क्योंकि इससे आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी शब्दावली बढ़ती है, आपकी सोच विस्तृत होती है, आपको नए विचार और प्रेरणा मिलती है और आपको अधिक शांति और खुशी मिलती है। पढ़ने के लिए आपको कोई भी किताब या लेख चुन सकते हैं जो आपको रोचक लगता हो, जैसे कि एक उपन्यास, कहानी, कविता, आत्मकथा, विज्ञान, इतिहास, दर्शन आदि। आप इन किताबों या लेखों को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी स्रोत से पढ़ सकते हैं, जैसे कि एक लाइब्रेरी, वेबसाइट, ब्लॉग, पॉडकास्ट आदि। आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट पढ़ने में लगाना चाहिए और इसे अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना चाहिए। नंबर 7, परिवार को प्राथमिकता दें। यह एक ऐसा संकल्प है जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार को प्राथमिकता देना आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक सुख के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे आपका परिवार आपका साथ देता है, आपका समर्थन करता है, आपको प्यार करता है, आपको गाइड करता है, आपको खुश रखता है और आपको जीवन का मतलब बताता है। परिवार को प्राथमिकता देने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अपने परिवार के साथ रोजाना बात करना, अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने परिवार के साथ खुशियां और गम बांटना, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाना, अपने परिवार के साथ उत्सव मनाना, अपने परिवार के साथ समस्याओं का समाधान करना और अपने परिवार के साथ प्रेम और सम्मान व्यक्त करना। आपको हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने परिवार को देना चाहिए और इसे अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना चाहिए। नंबर 8, एक जल्दी उठने वाला बने। यह एक ऐसा संकल्प है जो शायद सबसे चुनौतीपूर्ण है। एक जल्दी उठने वाला बनना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर प्रदर्शन के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि इससे आपका दिन लंबा होता है, आपका सुबह का समय शांत और ताज़ा होता है, आपका दिनचर्या अनुकूल और व्यवस्थित होता है, आपका काम जल्दी और अच्छी तरह से होता है, आपको अधिक समय मिलता है अपने आप के लिए और आपको अधिक खुद पर नियंत्रण मिलता है। एक जल्दी उठने वाला बनने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठने के लिए एक अलार्म सेट करना, अपने फ़ोन या घड़ी को अपने पास न रखना, अलार्म बजने पर तुरंत उठना, अपने बिस्तर को साफ करना, अपने चेहरे को धोना, अपने दिन की योजना बनाना और व्यायाम करना। आपको हर दिन कम से कम 5 बजे से पहले उठना चाहिए और इसे अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना चाहिए। नंबर 9, नए गंतव्य की यात्रा करें। यह एक ऐसा संकल्प है जो शायद सबसे रोमांचक है। नए गंतव्य की यात्रा करना आपके व्यक्तिगत और सांस्कृतिक ज्ञान के लिए बहुत अनुभवदायक है, क्योंकि इससे आपको नए लोग, जगह, भाषा, खाना, रीति रिवाज, इतिहास, कला, संस्कृति आदि से रूबरू होता है। आपको अपनी आत्मा को खोलना होगा, नजरिए को बदलना होगा, जिज्ञासा को जगाना होगा और अपनी यादों को बनाना होगा। नए गंतव्य की यात्रा करने के लिए आपको कोई भी जगह चुन सकते हैं जो आपको आकर्षित करती हो, जैसे एक पहाड़, समुद्र, शहर, गांव, देश, महाद्वीप आदि। आप इन जगहों को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी स्रोत से खोज सकते हैं, जैसे कि एक गाइड, मैप, वेबसाइट, ब्लॉग, पॉडकास्ट आदि। आपको हर साल कम से कम 1 नया गंतव्य देखना चाहिए। नंबर 10, निवेश शुरू करें। यह एक ऐसा संकल्प है जो शायद सबसे बुद्धिमानी है। निवेश करना आपके वित्तीय और आर्थिक स्थिति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपका पैसा बढ़ता है, आपकी आय बढ़ती है, बचत बढ़ती है, की सुरक्षा बढ़ती है, आपकी आजीविका बढ़ती है और आपको अधिक स्वतंत्रता और समृद्धि मिलती है। निवेश करने के लिए आपको कोई भी विकल्प चुन सकते हैं जो आपको लाभदायक लगता हो, जैसे कि एक बैंक, शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, गोल्ड, प्रॉपर्टी, स्टार्टअप, एक क्रिप्टोकरेंसी आदि। आपको हर महीने कम से कम 10% अपनी कमाई का निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 10 नए साल के संकल्पों की एक सूची जो आपको अपने जीवन में बेहतर परिवर्तन लाने में मदद करेंगे। आशा है कि आपको ये संकल्प पसंद आएंगे और आप इन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करेंगे। आपको याद रखना है कि इन संकल्पों को सिर्फ लेना ही काफी नहीं है, आपको इन्हें नियमित रूप से ट्रैक और मॉनिटर करना है और अपनी प्रगति को एक एप्लीकेशन या एक डायरी में रिकॉर्ड करना है। आपको अपने आप को इन संकल्पों के लिए प्रेरित और उत्साहित रखना है और अपने आप को इन संकल्पों को पूरा करने पर पुरस्कृत और प्रशंसित करना है। दोस्तों, ये था आज का YouTube वीडियो जिसमें हमने बात की 10 नए साल के संकल्पों के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।
धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।